नमस्कार दोस्तों, टुडे ट्रेंडिंग न्यूज़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वायरल वीडियोस और ट्रेंडिंग न्यूज़ से संबंधित अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन को दबाइए मोर अपडेट्स पाने के लिए। आज की ट्रेंडिंग न्यूज़ देखिए हमारे साथ। कोर्ट से बाहर करार, हिंदू मुस्लिम तैयार, मंदिर निर्माण में सुन्नी बोर्ड में घमासान, तो देखते रहिए हमारे साथ। देखिए, अगर मैं दुखी होता हूं तो उस वक्त दुखी होता हूं जब बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाती हैं। मैं जब दुखी होता हूं संपित साहब, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है और मेरा अल्लाह मेरे इस रग के करीब है, आप फिक्र मत करिए। आप जमीन की जो अभी आप जो आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं, मैं संपित पात्रा को चैलेंज कर रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए 12 मार्च को और ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने आप अगर सच्चे हैं तो जाकर कहिए कि चीफ जस्टिस साहब, ये जमीन का मसला नहीं है, ये मेरी आस्था का मसला है। आपको जाकर कहना पड़ेगा, आपकी सरकार को जाकर कहना पड़ेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। आप टीवी स्टूडियो में इस तरह की बात करते हैं, आप जाकर अगर राम का इतना सम्मान करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस साहब में कहिए कि इसको छोड़िए, एविडेंस नहीं है। कल ही चीफ जस्टिस ने कह दिया कि यह लैंड का इशू है, टाइटल का इशू है। रहा सवाल बातचीत का, तो मैं फिर से कह रहा हूं अंजना जी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन हजरत मौलाना सज्जाद दुमानी साहब आपसे जरूर बात करेंगे। मैं उनसे कहूंगा कि आपसे बात करें और आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उस पर जवाब दें। मगर मैं सिर्फ इस बात को रिटीरेट कर रहा हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात को कह चुका है, फिर से कह रहा हूं कि कोई बातचीत नहीं होगी। मसला सुप्रीम कोर्ट में है, आस्था का मसला नहीं है, ये जमीन का मसला है, टाइटल का मसला है। मैं फिर से मेरे दोस्त संपित से कह रहा हूं कि आप खुद जाकर आप प्राइम मिनिस्टर से कहिए कि सर, हम सुप्रीम कोर्ट में बात को क्यों ये रख देते कि ये आस्था का मसला है। कहिए ना, आप क्यों भाग रहे हैं? टीवी स्टूडियो में एक बात और कोर्ट में एक बात क्यों बोलते हैं? स्टूडियो में एक बात, कोर्ट में एक बात क्यों? क्योंकि बीते दिन ही चीफ जस्टिस ने कहा कि इसको टाइटल सूट की तरह हम देखेंगे, ये आस्था और धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं माना जाए। देखिए, पहली बात तो मैं करेक्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई पक्षकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जाके कोर्ट में केस लड़ नहीं रही है। हाँ, ये अलग बात है, जब केस चला था तो रामलला विराजमान के एक समय पे जो वकील रहे थे वो रविशंकर प्रसाद जी जरूर रहे थे और हम बिल्कुल रविशंकर जी पार्टी के समय उससे तो नहीं, मगर वकील के हैसियत से लड़ रहे थे केस। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, बहुत टेक्निकल बातें की यहां ओवैसी जी ने, वो टेक्निकल बातें ही कर सकते हैं। जो जमीन के विषय में सोचता है वो जरूर टेक्निकल बातें करेगा और जो राम के विषय में सोचता है वो टेक्निकल बातें नहीं करेगा, वो इमोशनल बातें करेगा। इसीलिए आज मैं इमोशनल बातें कर रहा हूं। देखिए, यहां पर मैं तूतू मैं करके क्या फायदा है? एक बात, इन्होंने कहा कि ये जमीन का मसला है, खुद दीपक मिश्रा जी ने कहा, मैं भी मानता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम टाइटल केस के हिसाब से लड़ेंगे। कम से कम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स में लाखों टाइटल केसेस चल रहे होंगे, आप भी मानती हैं, बहुत सारे जमील के मसले चल रहे होंगे। आप मुझे अंजना जी बताइए, कितने टाइटल केसेस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद बोलते हैं कि मैं आके बीच में सुनवाई करूंगा, मैं आके कंसेंसस बनाने की कोशिश करूंगा? कभी नहीं होता है। पहली बात आप देखिए, इससे पहले जस्टिस केहर ने क्यों कहा, इसलिए कहा और वो भी कहा कि ये बड़ा संवेदनशील मसला है। टाइटल सूट कभी संवेदनशील होता है क्या? संवेदनशीलता वही होती है जहां इमोशंस होते हैं। और देखिए, इतनी सी बात, ओवैसी जी यहां बैठे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, लड़ना नहीं चाहता, हमारे राम आपके लिए केवल जमीन है। मैं मानता हूं कि जैसे मैं आपके अल्लाह, हम सबके अल्लाह का रिस्पेक्ट करता हूं, आप राम का इतना रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप उनको बार बार जमीन पे ही कि इतनी जमीन उनकी थी। अरे, जमीन तो पूरी सरजमीन उन्हीं की है, ये धरती उनकी है, सारा जमीन उनका है, मगर जहां वो जन्म हुए उस पे भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। वैसे जी, आप तो खुद एक बैरिस्टर हैं, वकील हैं, आप जानते हैं, इनको लगता है कि इनकी भावनाओं के आधार पर ही इनका केस स्ट्रांग होगा। और अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को देखें तो वैसे साहब, तीन हिस्सों में जब बांटने का फैसला लिया तब तो टाइटल सूट नहीं माना था कोर्ट ने। तो इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऊपर, जजमेंट के ऊपर, और लफ्ज क्या इस्तेमाल किए थे सुप्रीम कोर्ट में, नन ऑफ द पार्टीज हैव आस्क्ड फॉर अ पार्टीशन, इट इज अ स्ट्रेंज जजमेंट। अब आप उसमें भी बोलेंगे, जस्टिस कहर ने एक ओरल ऑब्जर्वेशन किया और हमारे लॉ के तहत सुप्रीम कोर्ट आर्बिट्रेटर बन सकता है, जज बन सकता है, बशर्ते के पूरे पार्टियां राजी हो। क्या उसमें मैं ही पार्टी हूं, दूसरे पार्टी को राजी नहीं हुए? बीजेपी आरएसएस पीछे से इन तमाम चार पांच पिटिशनर्स को स्पॉन्सर कर रही है, तो इनसे कह दीजिए ना जाकर, ये तो आप ही के लोग हैं,
आप जाकर वहां पर नहीं कहते। आखिरी बात यह है कि मैडम, अगर मैं कल इंडिया टुडे के ऑफिस में घुसकर यह कह दूं कि ये फुला जगह मेरी आस्था की जगह है, तो आप खामोश बैठ जाएंगे? मैं ये मुल्क आस्था पर चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन पर चलेगा? मैं जवाब कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत न्यू इंडिया को बनाएगी तो आस्था के ऊपर बनाएगी या कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बनाएगी, उसूल के ऊपर बनाएगी या संपित पात्रा की आस्था? मैं जवाब देता हूँ। इस मुल्क को तय करना है, तय करना है। मैं जवाब देता हूँ। मैं जवाब देता हूँ। मुझे संपित, एक मिनट ठहरिए, एक मिनट ठहरिए, पूछ रही है जवाब। मैं जवाब देखिए, आप जो बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोला, आपको सुनने की आदत डालना पड़ेगा। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, कि ये मुल्क ना संपित की आस्था पर चलेगा ना मेरी आस्था पर चलेगा, ये मुल्क चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलेगा। ये मसला जमीन का मसला है और ये जमीन का मसला टाइटल के ऊपर डिसाइड होगा। कल चीफ जस्टिस ने कह दिया कि जो कई सौ साल पहले वो हमको उसकी फिक्र नहीं है, हम सिर्फ लैंड के डिस्प्यूट डिसाइड कर रहे हैं। मैं फिर से संपित से कह रहा हूं कि सुब्रमण्य स्वामी को कह दे कि जाके सुब्रमण्य स्वामी कह दे कि भाई आपके एमपी है, आपके एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है, कि आस्था का मसला डिसाइड करिए उसको, देख लीजिए क्या जवाब मिलता है। हम भी देखना चाह रहे कि ये आस्था का मसला है या टाइटल का मसला है। मैं जवाब